हाउ आर यू ऑल। आज हम बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स पार्ट थर्ड एग्जाम 2021 का पहला क्लास ऑनलाइन मोड से स्टार्ट करना चाहता हूं। एक्चुअल प्रॉब्लम आप समझते हैं कि महाविद्यालय अक्सर विभिन्न कारणों से वर्ग स्थगित करने के लिए मजबूर किया जाता है। ऐसे परिस्थितियों में हम जो वादा किए हैं छात्रों से कि हम पूरा कोर्स पढ़ा देंगे, उसके सप्लीमेंट के रूप में ऑनलाइन क्लास करना अनिवार्य है। ऑफलाइन क्लास भी होंगे, ऑनलाइन भी होगा। ऑनलाइन क्लास में जो हम पढ़ाएंगे उसमें बच्चों को जो दिक्कत होगी, उसके लिए ऑफलाइन क्लास में आकर आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा लेंगे और कुछ आगे की पढ़ाई भी हो जाएगी। तो आज हम लोग पहला क्लास है तो कॉमन सेंस की बात है कि हम स्टार्ट करेंगे सिलेबस से। सबसे पहले मैं अपने छात्रों को सिलेबस बताना चाहूंगा। डियर स्टूडेंट्स, आपने पार्ट वन और पार्ट टू में जो तैयारी की है उससे थोड़ा सा सिलेबस का मोड पार्ट थर्ड में डिफरेंट है। डिफरेंट इन द सेंस कि पार्ट वन में आपने 200 अंक के केमिस्ट्री पढ़े, 200 का दो सब्जेक्ट सब्सिडियरी का पढ़ा और 100 का लैंग्वेज लिटरेचर पढ़ा। सेम पार्ट टू में भी था। पार्ट थ्री में से डिफरेंट है, अब आपका लैंग्वेज लिटरेचर से और सब्सिडियरी पढ़ाई से मुक्ति मिल गई आपको। अब आप ऑनर्स का 4 पेपर पढ़ेंगे 400 अंक के और 100 अंक का पढ़ेंगे जीईएस जनरल एंड एनवायरमेंटल स्टडीज। ये आपका मॉडल है सिलेबस का, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। याद करिए, पार्ट वन में आपने पढ़ा केमिस्ट्री का पेपर वन और पेपर टू। पेपर वन में 25 मार्क्स फिजिकल, 50 मार्क्स का इनऑर्गेनिक। पेपर टू में 25 मार्क्स फिजिकल, 50 मार्क्स का ऑर्गेनिक। सेम पैटर्न पार्ट टू में भी था तो उसको हमने पेपर थ्री और पेपर फोर कहा था। पार्ट वन में पेपर वन, पेपर टू, पार्ट टू में पेपर थ्री, पेपर फोर। तो सोचिए पार्ट थर्ड कहां से शुरू होगा, तो पेपर फाइव, पेपर सिक्स, पेपर सेवन एंड पेपर एट। और ये एक एक्स्ट्रा है जीईएस जनरल एंड एनवायरमेंटल स्टडीज। जनरल साइंस जो है, एक स्पेसिफिक साइंस केमिस्ट्री पढ़ते हैं आप उसके अलावा, और एनवायरमेंटल आजकल जानते ही हैं एनवायरमेंट का पॉल्यूशन डिग्रेडेशन एक प्रॉब्लम हो गया है। तो बच्चों को एनवायरमेंटल अवेयरनेस देने के लिए इस कोर्स में एनवायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, वो भी 100 मार्क्स का होता है। तो कुल 500 मार्क्स का एग्जाम पेपर पार्ट थर्ड में आपको देना है। 300 का थ्योरी केमिस्ट्री, 100 का प्रैक्टिकल और 100 मार्क्स का जीएस। जीएस का नंबर आपके रिजल्ट में जुड़ेगा नहीं,
ये क्वालिफाइंग जरूरी है, आपको क्वालिफाई करना है इसमें, इसमें फेल हुए तो आप फेल हो जाएंगे। पेपर फाइव है फिजिकल केमिस्ट्री, पेपर सिक्स है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पेपर सेवन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और पेपर एट आपका है प्रैक्टिकल। जैसे आप देख रहे होंगे ये सारे 100-100 मार्क्स के हैं। पास मार्क्स 45 है, लेकिन एक बात आप जान लीजिए, जैसे पार्ट वन पार्ट टू में था कि थ्योरी में टोटल 135 मार्क्स चाहिए। जरूरी नहीं है कि तीनों में 45-45 और आना ही चाहिए। अगर आपके दो मिलाकर 135 हो गए, थर्ड में जीरो भी आ गया, तो विल डिक्लेयर्ड पास, है ना। वैसे इंडिविजुअल 45% मार्क्स आवश्यक है, लेकिन टोटल तीनों थ्योरी मिलाकर 135, प्रैक्टिकल में सेपरेट 45, प्रैक्टिकल में 45 से कम आया तो फिर फेल हो जाएगा, ठीक है ना। ये नंबर नहीं जुड़ता है। पेपर फाइव में जो 100 मार्क्स है उसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा। पार्ट वन पार्ट टू में भी 5 क्वेश्चन थे 15 मार्क्स के, 15 नंबर के, 75 का थ्योरी था। इसमें 5 क्वेश्चन है 20 मार्क्स ईच, ठीक है, 100 मार्क्स हुआ। जैसे पार्ट वन पार्ट टू में था क्वेश्चन वन इज कंपलसरी, पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, उसका जवाब देना ही देना है, बाकी आप चार दे सकते हैं। ये पार्ट थ्री में भी है, क्वेश्चन वन कंपलसरी है और ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन रहते हैं शॉर्ट शॉर्ट, इसका देना है आंसर, और बाकी 4 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे, ठीक है। टोटल 8 चैप्टर्स हैं और इस परीक्षा के लिए आपको 3 आवर्स का टाइम दिया जाए, 3 आवर्स में आपको इसका आंसर लिखना है। पेपर सिक्स में सेम है, फिर 100 मार्क्स का है, 45 पास मार्क्स है, यहाँ भी 5 क्वेश्चंस होंगे जिसमें क्वेश्चन वन कंपलसरी होगा, जिसका आंसर देना ही देना है, और 4 क्वेश्चन लॉन्ग टाइप के रहेंगे, इसमें भी 8 चैप्टर हैं। पेपर सेवन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, पैटर्न सेम है, 100 मार्क्स है, 45 पास मार्क्स है, इसमें भी 5 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स के ईच, इसका ही पहला कंपलसरी होगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें सिलेबस में 16 चैप्टर्स है, 2 चैप्टर कम है फिजिकल और इनऑर्गेनिक से। प्रैक्टिकल जो पेपर 8 है वो आपको दिख रहा होगा, इसमें फुल मार्क्स 100 है, पास मार्क्स 45 है, इसमें 2 एक्सपेरिमेंट करना है। आप देखेंगे आगे सिलेबस में कि क्वालिटेटिव एनालिसिस है, प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, कुछ फिजिकल का प्रैक्टिकल है, टोटल में से 2 को एक्सपेरिमेंट करना है, हर एक्सपेरिमेंट 35 मार्क्स का है, तो 70 मार्क्स हो गया, 10 मार्क्स नोटबुक पर होगा। आप जो कॉलेज में क्लास करते हैं प्रैक्टिकल का, उसमें जो काम करते हैं उस बेसिस पर आप नोटबुक बनाते हैं, उसमें 10 मार्क्स होता है, और वाइवा होता है ओरल एग्जामिनेशन, आपके जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं वो टेस्ट लेते हैं कि आपने क्या पढ़ा है, क्या प्रैक्टिकल किया है, ओरल सवाल पूछते हैं आपसे, और उसमें 20 मार्क्स है, 70 मार्क्स प्रैक्टिकल की परफॉर्मेंस पर, 10 मार्क्स नोटबुक में और 20 मार्क्स ओरल में। 100 मार्क्स का जीईएस है, इसमें अब नया पैटर्न शुरू हुआ है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पहले इसमें भी सब्जेक्टिव ही होता था, फिर शॉर्ट आंसर शुरू हुआ, अब 2-3 वर्षों से इसमें ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, इसकी तैयारी करेंगे, और मैं आपको इसका भी तैयारी करा दूंगा, क्योंकि किसी कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है। इस बार एलन मिथिला यूनिवर्सिटी ने, जो हमारी प्रो वाइस चांसलर हैं डॉली सिन्हा जी, उनका एक विजन था कि पूरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए जीएस का ऑनलाइन क्लास करवाया गया था। संयोग से मुझे भी मौका मिला था 2 लेक्चर देने का, तो इस बार भी अगर यूनिवर्सिटी करते तो कोई बात नहीं, अनलेस आई विल गिव यू ऑनलाइन लेक्चर फॉर जीएस ऑल्सो। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले अपने केमिस्ट्री से और तब जाएंगे जीएस पर। तो हम पहला क्लास में आपको सिर्फ सिलेबस का परिचय कराना चाहते हैं। ये देखिए पेपर 5 है, बीएससी पार्ट 3 ऑनर्स कोर्स का पेपर 5,
फुल मार्क्स 100 है, पास मार्क्स 45 है, एग्जाम में 3 घंटे का समय रहेगा, 10 questions टू बी सेट इन विच 1 question शॉर्ट आंसर टाइप इज कंपल्सरी, 5 टू बी आंसर्ड, 10 question रहेगा, पहला कंपल्सरी रहेगा, बाकी 9 में से किसी 4 का आंसर देना है। जो पहला टॉप चैप्टर है वो है एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स से थोड़ा सा परिचय आपको पहले हुआ होगा, लेकिन अब डिटेल में हम लोग पार्ट 3 में पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स, जो आजकल केमिस्ट्री का बेस है। दूसरा लेसन थर्मोडायनेमिक्स है। थर्मोडायनेमिक्स तो आप 12th क्लास से पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ा है, प्लस 2 में भी पढ़ा है, तो आपने जो पढ़ा है उससे थोड़ा सा एडवांस लेवल का यहाँ पढ़ेंगे। आप फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ पढ़े थे पहले, अब देखिए थर्ड लॉ पढ़ेंगे और आगे का पॉइंट सब पढ़ेंगे। तीसरा है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स भी क्लास 12 में आप पढ़े हैं, लेकिन वहां पढ़े हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, यहाँ उसका थ्योरी पढ़ेंगे उससे आगे। एक नया टॉपिक है फोटोकेमिस्ट्री, इसको आपने प्लस 2 में या पार्ट 1 पार्ट 2 में नहीं पढ़ा है, ये बिल्कुल नया चैप्टर आपके लिए है और आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोकेमिस्ट्री, देखते ही आजकल फोटोनिक्स से सब कुछ हो रहा है। पांचवा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़े हैं प्लस 2 में ही पढ़े हैं और कुछ पार्ट 2 में ही पढ़े हैं, उसी का थोड़ा सा एडवांस रूप है, मोटा मोटी वही है। छठा स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये बिल्कुल नया चैप्टर है क्वांटम की तरह। स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रल इन्वेस्टिगेशन होते हैं, केमिकल केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो IR UV NMR ये सारे सब आजकल टूल्स टेक्निक्स है जिससे हम किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर निकालते हैं उसके बारे में जानते हैं। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी आप पढ़ेंगे, फिर सरफेस केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ये इसका भी थोड़ा सा पार्ट आप पढ़े हैं 12th में, एडसॉर्प्शन उसी का विस्तार पढ़ेंगे आप। और ये एक नया टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल कंस्टिट्यूशन, इसमें कुछ टर्म है डाइपोल मोमेंट्स आप जानते ही हैं, उसका कुछ एडवांस रूप पढ़ेंगे। तो टोटल ये 8 लेसन है जिस जो आपने जो पढ़ा या तो उसका एडवांस लेवल है या कुछ नया है, इसलिए पार्ट 3 का सिलेबस थोड़ा सा गंभीरता से पढ़ने की जरूरत है। पार्ट 1 तो देखे थे पूरा का पूरा प्लस 2 था, जिसने प्लस 2 अच्छा से पढ़ लिया वो पार्ट 1 निकल जाएगा। पार्ट 2 में भी थोड़ा ही अंतर था, लेकिन पार्ट 3 में आप देख रहे हैं कि आपको नए नए टॉपिक मिल रहे हैं, इसलिए अभी से सावधानी से पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं हम लोग पेपर 6 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसे भी मैंने बताया आपको 8 चैप्टर हैं, सेम है, इसमें 9 ही क्वेश्चन रहेगा, 5 का जवाब देना है, पहला कंपल्सरी है, बाकी 4 का जवाब लॉन्ग टर्म में देना है। पहला न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री आपके लिए बहुत एकदम नया टॉपिक है चैप्टर, लेकिन इसका बहुत सा पार्ट आप फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़े हो, न्यूक्लियर फिशन, फ्यूजन, ये सब जो है ये सब पढ़े हैं, उसका कुछ एडवांस रूप हम लोग यहाँ पढ़ेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, जो पहले नहीं था। दूसरा ट्रांजिशनल एलिमेंट है, इसको तो 12 में भी पढ़े हैं, पार्ट 2 में भी पढ़े हैं, हो सकता है जो एलिमेंट आप पढ़े होंगे पार्ट 2 में क्रोमियम, मैंगनीज, कोबाल्ट, निकल पढ़े थे, यहाँ टाइटेनियम, वैनेडियम, मोलिब्डेनम, स्कैंडियम सब है, और जनरल प्रॉपर्टी का थोड़ा कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का विस्तार से यहाँ हम लोग पढ़ते हैं। एसिड बेस बहुत ही नॉन टॉपिक आपके लिए है, लेकिन जो आपने पढ़ा स्कूल में या प्लस 2 में उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे यहाँ पढ़ने हम लोग, लेकिन बहुत कुछ आप जानते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी पता है, इसका भी कुछ पार्ट आप 12 में पढ़े हैं, कुछ पार्ट पार्ट 2 में ही पढ़े हैं, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ चुके हैं, क्रिस्टल फील्ड का थोड़ा सा ज्ञान आपको है ही, उसी को विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे यहाँ, कुछ नया नया बात सीखेंगे, ठीक है। और एक नया पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के लिए या ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए ये जरूरी है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, उसका स्ट्रक्चर निकालने के लिए ये एक नया टॉपिक है। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज थोड़ा बहुत आप जानते हैं फिजिक्स में पढ़े होंगे, उसका विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे इस क्लास में। नॉन एक्वस सॉल्वेंट नया टॉपिक, सॉल्वेंट बहुत पढ़ा आपने, हम लोग जनरली प्लस 2 लेवल पर या पार्ट 1 पार्ट 2 तक वाटर को ही सॉल्वेंट मानते हैं,
ये नॉन एक्वस है, अदर देन वाटर, सॉल्वेंट्स अदर देन वाटर, उसके बारे में डिटेल पढ़ना है हम लोगों को। वैसे एग्जाम्पल तो नहीं पढ़ना है, अमोनिया SO2 बस दो ही पढ़ना है, लिक्विड अमोनिया और लिक्विड SO2। ये आठवां है ग्लास। केमिस्ट्री में जो लोग पढ़ते हैं उसका मेन उपयोग है इंडस्ट्रीज में, तो इंडस्ट्रीज जो केमिस्ट्री इन्वॉल्व है उसका कुछ ज्ञान देने के लिए यहाँ ग्लास और डिटर्जेंट दो चैप्टर हैं। ग्लास क्या है, कितने टाइप का होता है, कैसे बनता है, कैसे प्रॉपर्टी चेंज होता है, वैसे डिटर्जेंट के बारे में जो आप जानते हैं घर में यूज करते हैं लोग सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, तो उसका कुछ ज्ञान हम लोग, इसमें थ्योरी कम है, थ्योरी का एप्लीकेशन ज्यादा होगा। ठीक है, ये नौ लेसन है, मैंने आठ ने कहा था, सॉरी नौ लेसन है इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब आते हैं पेपर एट। एट पेपर में नाइन क्वेश्चन रहेंगे, सेम फाइव का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, चार लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रहेगा। पहला चैप्टर है नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन पार्ट टू में पढ़े हो, किसी साइंटिस्ट के नाम पर कोई रिएक्शन है, इसे मानिक रिएक्शन कहते हैं, डायल सल्डर रिएक्शन कहते हैं, माइकल एडिशन कहते हैं, किसी नाम पर है या कभी कभी कंपाउंड के नाम पर, जैसे पिनाकोल पिनाकोलोन, तो ये रिएक्शन के मैकेनिज्म को हम लोग पढ़ेंगे। आप जानते हैं मैकेनिज्म लिखते हैं हम लोग किसी नेम रिएक्शन को, तो उसका डिफिनेशन लिखते हैं, एग्जांपल लिखते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखते हैं और उसका एप्लीकेशन लिखते हैं। और दूसरा है सिंथेटिक रिएजेंट्स। ऑर्गेनिक में बहुत से रिएजेंट हैं, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, वैसे भी कुछ एजेंट सब हैं जो स्पेसिफिक रिएक्शन करते हैं, तो वो कहाँ रिएक्शन करते हैं, क्या उनका मैकेनिज्म है, क्या उनका एप्लीकेशन है, तो कुछ रिएजेंट को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तीसरा है पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। प्लस टू में या पार्ट टू तक हम लोग पढ़े हैं बेंजीन एंड डेरिवेटिव्स। तो बेंजीन होता है मोनो न्यूक्लियर, एक ही होते हैं बेंजीन रिंग उसमें। अब ये पॉली न्यूक्लियर वाइज एक से ज्यादा रिंग है, जैसे नेफ्थलीन है, फिनेंथ्रीन है, एंथ्रासीन है, तो उस सब को हम लोग पढ़ेंगे पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन में। ये बिल्कुल ही नया टॉपिक आपके लिए है, लेकिन एरोमेटिक का प्रॉपर्टी जो है इसमें मोटा मोटी बहुत सा सिमिलर रहता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो इसको भी आसानी से आप कर सकते हैं। चौथा ये आपके लिए नया है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। नाम तो सुने होंगे, एग्जाम्पल भी पढ़े होंगे आप, लेकिन विस्तार से यहाँ पढ़ेंगे हम लोग। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मतलब जिस कंपाउंड के रिंग में कार्बन के अलावा कोई और एटम है, रिंग में कोई और एटम है, जैसे फ्यूरान है, थायोफीन है, पिरिडीन है, इस टाइप का, ऐसे कंपाउंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में। ये भी आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक है। और पांचवा कलर कंस्टिट्यूशन, कोई सब्सटेंस कलर क्यों होता है, कलर कैसे घटता बढ़ता है, इस सब के बारे में, और कुछ डाइज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, जो इम्पोर्टेंट डाइज हैं जो हम लोग यूज करते हैं दिन रात अपने घरों में, कपड़ा का डाइंग होता है और बहुत से यूटेंसिल्स हैं उनका डाइंग होता है, तो उसको क्या उसके पीछे थ्योरी है, कुछ एग्जांपल भी पढ़ेंगे और मेन उसका थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ कलर। ये भी नया टॉपिक था। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैंने कहा आपको कि हम लोग जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं थ्योरी, दैट इज अप्लाइड टू इंडस्ट्रीज, उद्योग उसका उपयोग होता है, उसे मैन्युफैक्चर करते हैं, फिर हम दुनिया खुशहाल बनाते हैं। तो कुछ एग्जांपल इसमें ऐसे पॉलीमर्स हैं, आजकल तो पॉलीथीन से परेशान है लोग, यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन पॉलीथीन का एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, हम उसको चेंज करते हैं, डबल पॉलीथीन बना सकते हैं, वाइसफुल यूज कर सकते हैं। तो पॉलीमर्स है, फैट ऑयल्स डिटर्जेंट्स फिर से आ गया, और फ्यूएल्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फ्यूएल, चाहे आप मोटरसाइकिल चलाते हैं या जीप चलाते हैं, कार चलाते हैं, बस चलाते हैं या हवाई जहाज चलाते हैं, सबको फ्यूएल चाहिए, तो उसके पीछे क्या केमिस्ट्री है उसको हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो ऑर्गेनिक में छह ही चैप्टर, फिजिकल में आठ है, इनऑर्गेनिक में मैंने आठ लिखा था नौ है, और ऑर्गेनिक में छह चैप्टर। ठीक है, ये थ्योरी का चैप्टर आपका हो गया। हम जानबूझकर ये स्लाइड बनाए हैं कि आपको जब जरूरत पड़ेगी
सिलेबस देखने का तो रेडी आपके पास रहेगा, आप खोलेंगे अपना ये वीडियो और सिलेबस देख लेंगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, चाहे क्लासरूम हो या घर में पढ़ रहे हो कॉलेज में पढ़ रहे हो, एनी वेयर एंड एवरी वेयर यू हैव सिलेबस इन योर हैंड। आठवां जो पेपर है प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल में मैंने कहा कि दो एक्सपेरिमेंट करने हैं इसका। देखिए ये पहला जो है ना इसमें एबीसी, ये है फिजिकल केमिस्ट्री से। आप सुने होंगे विक्टर मेयर मेथड से हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, ड्यूमास मेथड से वही करते हैं, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन सब पढ़े हैं 12th क्लास में, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इसका यूज करके हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन आप पढ़े हैं फिजिक्स में, उसको कैसे निकालेंगे किसी लिक्विड का पेपर, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ये सब यहाँ पढ़ाया जाएगा, कराया जाएगा, करना है आपको। अगर कॉलेज आ पाएंगे तो कॉलेज में क्लास में इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। इसमें फायदा होगा कि इसमें खर्च कम होगा, कोई लैंप नहीं जलाना पड़ेगा, कोई बर्नर नहीं जलाना पड़ेगा, केमिकल कंज्यूम नहीं होगा, बहुत आसानी से किया जा सकता है। दूसरा में तीन पार्ट है, पहला है सॉल्ट एनालिसिस, कोई सॉल्ट आपको दिया जाएगा, आप पता लगाना है कि सॉल्ट क्या है, क्या क्या है उसमें, क्या मेटल है क्या नॉन मेटल है। दूसरा है टाइट्रेशन, टाइट्रेशन पढ़े हैं आप प्लस टू में पढ़े हैं, टाइट्रेशन को कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, है ना, तो ये करना है प्रैक्टिकल। और तीसरा है ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे पहचानेंगे, डिटेक्शन भी पढ़े हैं ऑर्गेनिक में आप 11th पढ़े हैं, डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया रहेगा और आपसे कहेगा कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट है पता लगाइए। डी है प्रिपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, अभी जो पढ़े थे ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो आप पढ़े हैं 12th में भी, तो उसका बनाना, वो तो थ्योरी पढ़े थे आप, उसको आप बना सकेंगे लेबोरेटरी में। और अंतिम है ई, इसमें है ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रिपरेशन। तो पहला फिजिकल हो गया, फिजिकल मेथड से हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे या सरफेस टेंशन विस्कोसिटी निकालेंगे। दूसरा में पांच टॉपिक हैं, पहला है सॉल्ट एनालिसिस में सॉल्ट को पहचानेंगे हम, दूसरा है टाइट्रेशन, तीसरा है ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहचान, चौथा है इनऑर्गेनिक कंप्लेक्स का प्रिपरेशन, और पांचवा है ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रिपरेशन। तो इतना एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं अगर आप, तो आप कहीं भी जाएंगे किसी इंडस्ट्रीज में जाएंगे तो आप कुछ कर पाएंगे, आपको जॉब मिल सकता है। बच्चे कॉलेज नहीं आते हैं, क्लास नहीं करते हैं, प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो उनको डिग्री तो मिल जाती है लेकिन हुनर नहीं मिलता है, तो फिर बच्चे हमारे बेरोजगार रह जाते हैं। जहाँ पर पढ़ाई होती है, क्लास होता है, प्रैक्टिकल होता है, वहां जो बच्चे जाते हैं सीखते हैं, उनके पास हुनर होती है, उनको इंडस्ट्री में जॉब मिल जाता है। और इसे मैंने कहा कि दो क्वेश्चन रहेगा इसमें से, 35 मार्क्स ईच, कुल 70 नंबर हुआ, नोटबुक में 10 नंबर है और वाइवा में 20 नंबर है, कुल 100 अंक का ये भी परीक्षा होगा। ये हुआ ओवरव्यू ऑफ योर सिलेबस, इसको एक बार गौर से देख लेंगे तो आपको अपना टारगेट बनाने में सुविधा होगी कि आप पढ़ाई कैसे करिएगा, किस ढंग से आपका ये कोर्स पूरा हो सकेगा। हम आप सभी छात्रों से अनुरोध करते हैं फिर से कि आप महाविद्यालय आए, कॉलेज आए और आप अपने सीनियर से पूछिए कि हमने कॉलेज में पूरा कोर्स कंप्लीट कराया था, मैं आपको भी वचन देता हूं कि मैं आपका पूरा कोर्स पढ़ा दूंगा, चाहे वो कॉलेज में ऑफलाइन क्लास में हो, अगर कॉलेज अधिक बंद रहेगा तो हम ऑनलाइन क्लास करके, ऑफलाइन क्लास करके हाइब्रिड मोड में कंप्लीट कोर्स पढ़ा देंगे, इतना अच्छा से कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप परीक्षा से पहले फुल्ली प्रिपेयर्ड रहेंगे, ठीक है। एनी क्वेश्चन टू एनीवन, किसी के मन में कोई बात है तो अभी आप पूछिए, वरना आप घर पर इस वीडियो को फिर से एक बार देखिएगा और तब आपके मन में कोई प्रश्न आए तो हमसे पूछिएगा। और ये जरूरी था, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पता नहीं होता है कि थ्योरी कितना है, प्रैक्टिकल कितना है, बच्चे सिलेबस नहीं देखते हैं, किताब नहीं देखते हैं और वो बाद में परेशान हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसी से स्टार्ट किया है और हम आगे शुरू करेंगे फिजिकल से,
ठीक है, पहले फिजिकल पढ़ाएंगे, फिर ऑर्गेनिक और अंत में नॉर्गेनिक, यही मेरा ट्रेंड होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? या हो सकता है कि हम साथ ही तीनों पढ़ा दें। ओके, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? किसी का मन में है? नहीं है, चलो, थैंक यू।